नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली में हम क्या करते हैं? पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं और नई चीज़ें अपने घर में लाते हैं, बरकत लाते हैं, अपने घर को अच्छे से सजाते हैं दियों से रोशनी, ताकि जो अंधकार है वो दूर हो जाए। तो क्यों ना, जैसे कि मैं अपने दियों को सजाती हूँ, आप भी सजाइए। ये देखिए दिया है। सबसे पहले तो आती है लक्ष्मी माता की मूर्ति और उनका पूजन। और मैं दिवाली की जितनी भी वेकेशन होती है, आई मेक इट अ पॉइंट कि दिवाली के दिन और एक मुहूर्त होता है शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजन का समय, उसमें ज़रूर लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी का हाथ अगर हमारे ऊपर है, जो कि है, थैंक यू लक्ष्मी, उसकी वजह से हमारे जीवन में समृद्धि आती है, हमारी कला में और खूबसूरती आती है। तो लक्ष्मी और ये जो देवियां हैं, सरस्वती और दुर्गा, इनका आपको आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और दिवाली हम लोगों का सबसे ख़ास त्यौहार है, और अब तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में दिवाली मनाया जाता है। इवन कनाडा, आई बिलीव, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो एक्स्पेशली करते हैं। वॉशिंगटन में भी दे हैव स्टार्टेड डेकोरेटिंग द पार्लियामेंट हाउस, उनका जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी इंडियन कलर्स से डेकोरेट करते हैं दिवाली के दिन। जैसे वेस्ट में क्रिसमस मनाया जाता है उतने उत्साह से, ये भी हमारा दिवाली सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। दिवाली से ही नव वर्ष का शुभारंभ होता है, और जो जिस तरह से लोग लाइट्स लगाते हैं, इतना खूबसूरत लगता है। और दिवाली पूजन करने के बाद, थोड़ा सा खाना खाने के बाद, आई मेक इट अ पॉइंट टू वॉक अराउंड द बिल्डिंग, क्योंकि सबका घर इतना खूबसूरत लगता है। और साथ में कॉम्पिटिशन का भी है कि भैया हमारा सही है कि नहीं, कि हमारा उससे ज़्यादा नहीं, तो अगले दिन जाके एक और लाइट लगा देते हैं। कॉम्पिटिशन का भाव तो होता ही है। तो मतलब इट्स ऑल इन ऑफ कोर्स गुड फेथ, लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारा लगता है। और आपको अगर मतलब इसको देख कर ही उसकी खूबसूरती महसूस की जाती है। इट लुक्स ब्यूटिफुल, पूरे लाइट से जगमगा रहा होता है पूरा बम्बई शहर, मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान। और ये तो आपको पता ही है कि राम जी जब अयोध्या वापस आए थे, तो पूरा अयोध्या ऐसी दीप मालाओं से जागृत हुआ था उनका स्वागत करने के लिए। तो लक्ष्मी का स्वागत भी करते हैं और साथ में श्री राम की वापसी का भी हम जश्न मनाते हैं। सिंस आई एम अ वर्किंग वूमन, तो मेरे को तो दिवाली के दिन इतनी थकान हो जाती है, क्योंकि डिस्पाइट दिस मेड सर्वेंट एंड ऑल, जितने भी सर्वेंट हैं, लेकिन मैं मतलब सफाई में ऐसी जुट जाती हूँ कि मेरा बेटा मुझे डांटता है कि मम्मी प्लीज़ इन्जॉय द फेस्टिवल। तो मैं सफाई यहाँ पर ये नहीं लगा है खुद, मतलब वो स्पंज और से कि साबुन से साफ, पेंटिंग का कांच साफ, उसका कांच, और फिर अल्पना, मतलब मैं तो जब अल्पना बनाती हूँ रंगोली, मुझे बड़ा शौक है घर के बाहर। तो मतलब मेरे तो पड़ोसी मुझे बोले थे पिछले साल कि अम्मा आप तो बहू ले आइए, उसी को करने दीजिए, उसको दया आई कि ये लगी पड़ी है अपनी अल्पना बनाने। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन अभी तो मुझे बनाने दो, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है अल्पना से। वो होता, वो एक है ना कि आप जितना सुंदर डेकोरेट करेंगे, तो लक्ष्मी को आमंत्रित कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। और वैसे भी बड़ा शुभ होता है कि आप दरवाजे के आगे अल्पना बनाएं और दरवाजे के ऊपर गेंदा और आम के पत्ते लटकाएं, और भी झालर वगैरह लटकती है, लेकिन जो ये जो ट्रेडिशनल है गेंदा और आम के पत्ते ही शुभ माने जाते हैं, ये ज़रूर। तो ये सब में पूरा मतलब जब तक दिवाली ख़त्म होता है रात को, तो ऐसे थक के बेहोश हो जाते हैं, पर इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग काइंड ऑफ टायर्डनेस। हमारा दिया सज गया,
इस तरह आप भी अपने घर को सजाइए, दिया जलाइए और लक्ष्मी का स्वागत करिए। नमस्कार, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।